नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है नियो वोल्टेज। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस लाल बटन को दबाएं और घंटे के बेल आइकन को दबाएं, जिससे हम जो भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, और आज मैं आप सभी के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट लेकर आया हूँ, जो रेलवे और SSC और सभी रिक्रूटमेंट जो होती है सरकार द्वारा, उन सभी में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आज इस लाल बटन को जरूर दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों आज आपका ऑनलाइन मॉक टेस्ट है जनरल साइंस का। पहला सवाल है आपके सामने, वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ए है सोडियम क्लोराइड, बी है हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट, सी है सोडियम कार्बोनेट, डी है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही जवाब आपको चूज़ करना है, इन चारों में से कोई एक सही जवाब है, आप फटाफट से इसे चूज़ करें, और अगर आपको लगता है सही जवाब इन चारों में से कोई भी एक होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे भी टाइप करके इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ, इसका जवाब है सी, सोडियम कार्बोनेट। चलिए दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आप सभी के लिए है, दूसरा सवाल, निम्न में से किसकी कमी के कारण अरक्तता एनीमिया होता है? जी हाँ दोस्तों, इसका फटाफट से जवाब दीजिए, आप जल्द से जल्द जवाब दीजिए, दिमाग लगा के दीजिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास में, ए आयोडीन, बी कैल्शियम, सी पोटेशियम, डी आयरन। इन चारों में से एक सही जवाब है, वो आपको ढूंढना है कौन सा सही जवाब है। चलिए इसका सही जवाब मैं देता हूँ आपको, इसका सही जवाब है डी आयरन। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला सवाल, नंबर तीसरा, फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपोरसायनिक रूप क्या है? दोस्तों इस सवाल का जवाब फटाफट से दीजिए, ए है सिल्वर ब्रोमाइड, बी है सोडियम थायोसल्फेट, सी है सोडियम फास्फेट और डी है सिल्वर नाइट्रेट। इनमें से एक सवाल का जवाब है, प्लीज़ ध्यान से आराम से सवालों के जवाब दीजिए, दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। चलिए इसका जवाब मैं देता हूँ आपको, इसका जवाब है बी, सोडियम थायोसल्फेट। चलिए अगले सवाल की ओर। चौथा है, किडनी की समस्या के रोगियों के अपोहन डायलिसिस की प्रक्रिया में कौन से तत्व का प्रयोग सम्मिलित है? आपके सामने ऑप्शन है, ए विसरण, बी अवशोषण, सी परासरण और डी इलेक्ट्रोफोरेसिस। इन चारों में से एक सही जवाब है दोस्तों, शांति से मन को शांत रखें, और अपने जो भी आपने पढ़ा है अगर आपको लगता है इनमें से कोई एक सही जवाब है तो प्लीज़ उसका जवाब दें। चलिए मैं इसका उत्तर बताता हूँ आपको, इसका उत्तर है ए विसरण। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है पाँचवा, जिसमें सवाल है, सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? ऑप्शन ए है टिन और लेड, बी है टिन और जिंक, सी है जिंक और लेड, डी है कॉपर और जिंक। दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, जो आपके रेलवे में, SSC में या किसी बैंक या पुलिस की सर्विस में, जहां भी जनरल साइंस के सवाल आते हैं वहां पर ये सवाल आने की 99% संभावना बनी हुई है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, ध्यान से इन सवालों के जवाब दें। चलिए मैं इसका आपको जवाब देता हूँ, इसका उत्तर है ए टिन और लेड। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अपरिपक्व फल को कृत्रिम रूप से परिपक्व करने के लिए कौन सी गैस उपयोगी है? आपके सवाल ऑप्शन है एथिलीन, एथेन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है एसीटिलीन। आपको इनमें से एक जवाब बताना है, वो जवाब क्या होगा वो आप बताएं। चलिए मैं आपको बताता हूँ इन चारों में से क्या जवाब होगा, इसका जवाब है ए एथिलीन। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर सातवां, उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? ऑप्शन है ए उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, बी ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया, सी तापीय प्रतिक्रिया या डी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। जल्दी से सवालों के जवाब दीजिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स पे टाइप करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स पे भी आप अपने सवालों के जवाब दे सकते हैं। जवाब देने के लिए आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो ए बी सी डी
डाल करके आप सवाल का क्वेश्चन नंबर 7 डाल करके इसका जवाब दे सकते हैं, ए बी सी में से कुछ भी। चलिए दोस्तों इसका जवाब मैं देता हूँ आपको, इसका जवाब है डी, इसका जवाब है डी जो कि है ऊष्मा शेपी प्रतिक्रिया। चलिए आगे चलते हैं सवाल नंबर 8 पर। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस प्रकार में बदल जाता है? फटाफट से जवाब दीजिए। इसका ऑप्शन है ए वसा अम्ल में, बी ग्लूकोज में, सी अमीनो अम्ल में या डी माल्टोस में। सवाल के जवाब सही दीजिए दोस्तों। यहाँ पर आप अपने करियर को लेकर के अगर सीरियस तो अपने आपको जज कीजिए। चलिए इसका जवाब मैं देता हूँ आपको, इसका सही जवाब है सी अमीनो अम्ल। चलिए अगले सवाल की ओर। प्रश्न 9, मानव रक्त का पीएच लगभग कितना है? ए 3, बी 7.5, सी 12 या डी 6। सही जवाब दीजिए जल्द से जल्द दीजिए फटाफट से, और कमेंट बॉक्स पे टाइप करके दे दीजिए क्वेश्चन नंबर डाल करके सही जवाब का, ए बी सी डी में से कोई भी ऑप्शन डाल के आप दे सकते हैं। चलिए इसका जवाब मैं बताता हूँ आपको, इसका जवाब है बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ए कार्बन, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन या डी ऑक्सीजन। सही जवाब दीजिए दोस्तों। चलिए इसका जवाब मैं बताता हूँ आपको क्या होगा। चलिए इसका जवाब है बी कैल्शियम। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत निम्नलिखित में से किस में है? पहला ढलवा लोहा, बी इस्पात, सी पिटवा या डी कच्चा लोहा। इस सवाल का जवाब आपको शायद कहीं ना कहीं याद होगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो शायद भूल गए होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस टेस्ट को आप पूरा देखें और पूरा दें इस टेस्ट को। चलिए इसका जवाब मैं देता हूँ आपको, सी पिटवा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एल्यूजेल गोली, एल्यूजेल टेबलेट में क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन है ए सोडियम कार्बोनेट, बी सोडियम हाइड्रोक्साइड या सी अमोनिया या डी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से एक सही जवाब है वो आपको सेलेक्ट करना है, और आप चाहें तो उसे कमेंट बॉक्स पर टाइप कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, इसका सही जवाब है डी जो कि है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 13, गैस ज्वाला, गैस फ्लेम का सर्वाधिक तत्व भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन है दीप्त भाग, अंधता भाग, नीला भाग या अदिश भाग। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने चार ऑप्शन है, इनमें से एक सही जवाब है। जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश कीजिए दोस्तों फटाफट से। चलिए इसका जवाब मैं देता हूँ आपको, सी नीला भाग। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर है 14, सीसा किसके साथ प्रतिक्रिया करता है? इसका ऑप्शन है आपके पास में ए एच एफ, बी एच सी एल, सी एच बी आर या डी एच आई। फटाफट से इसका जवाब दे दीजिए, जो भी आपको लगता है इनमें से क्या सही होगा वो आप कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं। चलिए इसका जवाब मैं देता हूँ आपको, 14 नंबर का है ए एच एफ। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन है कोबाल्ट, बी निकिल, सी जर्कोनियम या डी टंगस्टन। फटाफट से सवाल के जवाब दे दीजिए दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से एक सही जवाब है जो आपको सोच करके देना है। चलिए मैं इसका उत्तर देता हूँ आपको, 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब है सी जर्कोनियम। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं, अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 16 है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है लिपिड, सी है प्रोटीन और या डी है अमीनो अम्ल। इन चारों में से एक सही जवाब है दोस्तों। दोस्तों बहुत ही काम के सवालों के जवाब है आप सभी के लिए जनरल साइंस के। अगर आपकी जनरल साइंस कमज़ोर हैं तो आपको साथ ही साथ टेस्ट के साथ साथ आपको इसका आंसर भी दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों फटाफट से जवाब बता दीजिए आप। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका जवाब क्या होगा। 16 नंबर के सवाल का जवाब है सी जो कि है प्रोटीन। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन चुंबक से व्यंकुचित होता है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन चुंबक से व्यंकुचित होता है? ए रेडियो तरंगे, बी एक्स किरणें, सी बीटा किरणें या डी वीयू किरणें। फटाफट से जवाब दीजिए इसका।
इसका सही सवाल इसका सवाल का जवाब है ए, रेडियो तरंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में प्रति वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, यह किस वैज्ञानिक की कृति से सहचरित है? ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त से, या सी सी वी रमन से, या डी जे सी बोस से। फटाफट से इस सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब हैं यहाँ पर, सवाल भी हैं जवाब भी है, सिर्फ आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। चलिए इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, 18 नंबर का सवाल का जवाब है सी वी रमन। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, किसी तत्व का परमाणु भार निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन से, या बी न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन से, या सी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन से, या डी इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन से। फटाफट से सोचिए दोस्तों, दिमाग लगाइए और जवाब दीजिए। इसमें आपको कोई चार्ज देना नहीं है, फ्री ऑफ एग्ज़ाम लिया जा रहा है आप सभी का। क्या पता आपके सामने ये ही सवाल आ जाए तो आप पास हो जाएं। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के जवाब है, चलिए इसका जवाब मैं देता हूं आपको। प्रश्न नंबर 19 का है बी न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण नहीं है? ए ऊन, बी सिल्क रेशम, सी चमड़ा, या डी नायलॉन। फटाफट से सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों, फटाफट से, आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अगर पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए। चलिए इसका जवाब मैं देता हूँ, इसका जवाब है डी नायलॉन, नायलॉन है इसका जवाब। अगला सवाल है, किसवा निम्न में से कौन सी प्रक्रिया गैस नहीं है? ए ब्रोमीन, बी नियॉन, या सी ऑर्गन, या डी क्रिप्टॉन। फटाफट से जवाब दीजिए इनका। जी हाँ दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि रेलवे की इस बार ग्रुप डी लोको पायलट टेक्नीशियन और आने वाली भर्तियाँ जो एनटीपीसी की है उनमें भी आने की संभावना है दोस्तों। तो आप सीधा बस अपने आप में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, चलिए फटाफट से जवाब दीजिए। चलिए मैं इसका जवाब देता हूँ आपको, सी इसका जवाब है ए, 21वें का जवाब है ए ब्रोमीन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, या डी विटामिन डी। ये चारों ऑप्शन में से आपको एक सही जवाब है जो आपको सेलेक्ट करना है दोस्तों। फटाफट से कीजिए, कमेंट बॉक्स पे आप टाइप करके दे सकते हैं दोस्तों। लाइक करना ना भूले, प्लीज़ लाइक भी करते जाएं। वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों। इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ, इस सवाल का जवाब सी, विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है, मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है ए हृदय, बी आंत, या सी स्पलिन, या डी यकृत। दोस्तों जवाब दीजिए फटाफट से, क्या ऑप्शन इन ऑप्शन में से चारों में से क्या जवाब हो सकता है? इनका जवाब आपको ढूंढना है, दिमाग पे जोर लगाना है और सही जवाब देना है। चलिए मैं बताता हूँ इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब है सी स्पलिन, स्प्लिन, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन सी। चलिए फटाफट से जवाब दे दीजिए इसका, इसका जवाब आपको शायद याद होगा, बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल याद आ रहा है आपको, तो प्लीज़ दे दीजिए जवाब। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका जवाब क्या होगा, विटामिन के, इसका उत्तर है सी विटामिन के, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, व्यापारिक वैसलीन का निरीक्षण निष्कर्षण किससे किया जाता है? माफ़ कीजिए, थोड़ा शब्द ऐसा है इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। व्यापारिक वैसलीन का निष्कर्षण किससे किया जाता है? ऑप्शन है ए पादप गोंद से, बी कोलतार से, सी ऊण मोम से, या डी पेट्रोलियम से। फटाफट से जवाब दे दीजिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा वो आपके सामने ऑप्शन है, जवाब देने दे दीजिए फटाफट। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका जवाब क्या होगा, जवाब है डी पेट्रोलियम। अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन बी टू, ऑप्शन डी विटामिन सी। इसका जवाब दीजिए फटाफट से, क्या जवाब हो सकता है इसका दोस्तों आप सभी के सामने,
यहाँ पर टाइम की बाउंडेशन नहीं है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ आपके सामने टाइम की बाउंडेशन होगी। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ थोड़ा फटाफट से जवाब दीजिए इसका। चलो मैं आपको जवाब बताता हूँ क्या होगा। इसका जवाब है ए, विटामिन के। चलिए अगले सवाल के चलते हैं। प्रश्न नंबर 27, पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है? ऑप्शन ए तांबा और जिंक से, या ऑप्शन बी तांबा या टिन से, या ऑप्शन सी तांबा और एल्यूमिनियम से, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जवाब दीजिए फटाफट से, सवाल का जवाब देते जाइए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए इसी तरीके से आगे और मैं आपके सामने टेस्ट लेकर आता रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए फटाफट से सवालों के जवाब दीजिए। चलिए मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ। 27 नंबर का जवाब है ए, तांबा और जिंक। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है 28 नंबर का, निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ऑप्शन है ए लोहा, बी सोडियम, सी आयोडीन या डी सल्फर। ये बहुत ही सरल सा सवाल है जो कि आप सभी को आता होगा, लेकिन इसमें भी कई लोग हैं जो गलती कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका जवाब बता देता हूँ। 28 नंबर के सवाल का जवाब है सी, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइज़र है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, बी फास्फोरिक, सी पोटेशियम या इनमें से कोई नहीं, डी। बताइए फटाफट से सवाल का जवाब दीजिए। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इस सवाल का जवाब क्या होगा। आया याद आपको? नहीं, चलिए मैं बताता हूँ आपको। इसका जवाब है ए नाइट्रोजन। चलिए प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं। पारा निम्न में से किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए मर्क्यूरी ऑक्साइड से, या सिनेबार से, या केलोमल से, या डी मैक्यूर ऑक्साइड से। फटाफट से सवाल का जवाब दे दीजिए दोस्तों। साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जनरल साइंस के ये आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पास कराने की हम श्योरिटी लेते हैं अगर आप इन कोचिंग क्लास को और आपने ऑनलाइन टेस्ट को देते रहें, रेगुलर वॉच करते रहें, तो आप पास हो सकते हैं। चलिए इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। इसका जवाब है बी, जो कि है सिनेवार। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 31वां है, क्यूरी किसकी इकाई है? ऑप्शन ए रेडियो सक्रियता की, ऑप्शन बी प्रकाश की तीव्रता की, ऑप्शन सी खगोलीय दूरी की, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं की। फटाफट से जवाब दीजिए दोस्तों, फटाफट जल्द से जल्द जवाब दीजिए अगर आपकी तैयारी है। जी हाँ दोस्तों, चलिए जल्द से जल्द जवाब दीजिए। चलिए दोस्तों, इसका मैं जवाब आपको देता हूँ। 31वें का जवाब है ए, ठीक है, जो है रेडियो सक्रियता। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32, निम्न में से किस में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ए हवा में, बी पानी में, सी इस्पात में, या डी निर्वात में। बताइए दोस्तों, इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है जो इस सवाल का जवाब हो सकता है? बताइए फटाफट से, सवालों के जवाब देते जाइए और आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। इसका जवाब है सी, जो है इस्पात में। प्रश्न नंबर 33 का, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? बहुत ऑप्शन है आपके लिए, ए अवतल, बी उत्तल, सी अवतल अवतलोत्तल, या डी बेलनाकार। फटाफट से बता दीजिए दोस्तों क्या सही जवाब होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए मैं आपको जवाब देता हूँ इसका क्या होगा। 33 नंबर का सवाल का जवाब है उत्तर ए अवतल। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं अपन। प्रश्न नंबर 33, परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? ए हवा, बी आग, सी पानी, या डी कीट। जवाब दीजिए दोस्तों, फटाफट से जवाब दीजिए। इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ, आंसर है इसका बी आग। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 35 नंबर का सवाल है, मेक संख्या निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कंप्यूटर से, ऑप्शन बी मोटर रेसिंग से, ऑप्शन सी घुड़सवारी से, ऑप्शन डी हवाई जहाज़ से। तो दोस्तों, इनमें से क्या सही जवाब है वो आपको बताना है, क्या सही जवाब होता है। जी हाँ दोस्तों, फटाफट से सवालों के जवाब देते जाइए। चलिए इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। 35 नंबर के सवाल का जवाब है डी, जो कि है हवाई जहाज़ से। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 36 नंबर का सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता ही होगा। तो चलिए ऑप्शन बताता हूँ आपको, ए 206, बी 185, सी 200, या डी 210। चलिए दोस्तों, मैं आपको और सब्र ना करने दे करके आपको इसका जवाब बताता हूँ। इसका आंसर है ए 206 हड्डियाँ होती हैं मानव शरीर में।
चलिए 37 नंबर का सवाल, इनमें से कौन कठोर नहीं है? ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी स्ट्रॉनीशियम या डी पारा। फटाफट से सवाल का जवाब दे दीजिए। चलिए चलिए दोस्तों, फटाफट से फास्ट, चलिए मैं आपको देता हूँ इसका जवाब। इसका जवाब है डी पारा। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन है आपके सामने ए 3, बी 4 या सी 6 या डी 7। फटाफट से बता दीजिए दोस्तों, बहुत सिंपल हैं लेकिन कई बार हम इन सवाल छोटे सवालों में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं जिससे हमें ये सवाल के जवाब हम गलत देकर आ जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसका जवाब मैं देता हूँ आपको, इसका है डी 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 39वां, जिसका सवाल है, निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है? ए पित्तरस, बी इंसुलिन, सी सोमेटोस्टेटिन या डी ग्लूकागॉन। फटाफट से जवाब दीजिए दोस्तों, आपके पास समय नहीं रहेगा एग्ज़ाम देते वक्त आपको, लेकिन यहाँ मैं समय दे रहा हूँ तो आप प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है बहुत ही ध्यान से सवालों के जवाब दीजिए। चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, इसका जवाब है ए पित्तरस से। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है 40वां, एंटी रेबीज का टीका कब दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन है कुत्ते के काटने पर, बी बचपन पर या सी 5 वर्ष की आयु में या डी सांप पर, सांप के काटने पर। इसका सवाल का सही जवाब दे दीजिए आप। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, सवाल भी आपके सामने हैं, जवाब भी आपके सामने हैं, प्लीज़ सही जवाब दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ सही जवाब क्या होगा। इसका सवाल का जवाब है ए, जो है कुत्ते के काटने पर। ठीक है, अगला सवाल है, नीचे दिए गए एक ईंधन में से किस में सर्वाधिक ऊष्मीय मान है? ए कोक में है या बी पत्थर का कोयला है या सी लकड़ी में है या डी प्राकृतिक गैस में है। उत्तर आपके सामने है, फटाफट से ढूंढिए, इन चारों में से एक उत्तर है और जवाब दे दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब है ए, जो कि है कोक से। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब है ए कोक। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 42वां सवाल है, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? ऑप्शन है एसिड से, सीसी से, बी से या सी क्यूलेक्स से या डी मादा एनोफेलिज से। बताइए दोस्तों, इनमें से सही जवाब क्या होगा। आपके सामने सवाल का सही जवाब है, इन चारों में से एक जवाब है, वो आपको ढूंढना है और बताना है। चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ क्या सही जवाब है, डी मादा एनोफेलिज से। अगला सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? पहला ए है पेड़ों की जड़ों में या बी पेड़ों के तनों में या सी फलों में या पेड़ों की पत्तियों में। आपके सामने सही जवाब है, आपको ढूंढना है और बताना है। कमेंट बॉक्स पे टाइप कर सकते हैं और दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर आप उसे लाइक और शेयर जरूर करें। जितना शेयर करेंगे, हो सकता है आपकी तरफ से किसी और की भी हेल्प हो जाए। जी हाँ दोस्तों, अभी एग्ज़ाम का दौर चल रहा है, भर्तियाँ निकल रही हैं। ठीक है दोस्तों, सही सवाल का जवाब मैं आपको बताता हूँ इसका, इसका जवाब है डी पेड़ों की पत्तियों में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 44, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए रतौधी, बी बेरी बेरी, सी पेलाग्रा या डी रिकेट्स। इन चारों में से एक सही जवाब है, वो आपको देना है। चलिए दोस्तों, फटाफट से जवाब दे दीजिए, मैं आपको बता दूँ। चलिए मैं बताता हूँ आपको, इसका जवाब है ए रतौधी, रतौंधी। अगला सवाल है 45वां, फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? ए प्रोटीन में, बी वसा में, सी विटामिन में या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दोस्तों, आपके लिए मैं इसी तरीके से और एग्ज़ाम लेकर आता रहूँगा, तो दोस्तों बने रहें और आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी तैयारी को फास्ट कर दीजिए। चलिए मैं इसका जवाब देता हूँ आपको क्या होगा। इस सवाल का जवाब है ए प्रोटीन से। समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, बी जस्ता, सी टिन या डी आयोडीन। फटाफट से बता दीजिए दोस्तों, समय गवाइए नहीं, समय की बहुत कीमती है, आप बता दीजिए फटाफट से। चलिए मैं आपको उत्तर दिखा देता हूँ इसका क्या होगा। इन चारों में से एक ऑप्शन है, चलिए देखते हैं, ऑप्शन डी आयोडीन। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हरे मेंढक की पीठ पर काली धारी वाले मेंढक को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? ए एसाफटीडा, बी एरिजोना टिग्रिफ्स, सी राना टिग्रीना या डी लोना एस्टेओटा। फटाफट से बता दीजिए दोस्तों,
इन सवालों के जवाब ये साइंस के हैं जो आने वाले हैं। चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। इसका जवाब है 47 का सी, राणा टिगरीना। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। 48वां क्वेश्चन है, रक्त का जमने में कौन सा प्रोटीन उपयोगी होता है? ए फाइब्रोनोजेन, बी राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम, या सी स्टेफाइलो ककम्स, या डी नोनोक्सारोन। इन चारों में से एक जवाब है, वो आपको ढूंढना है। जी हाँ दोस्तों, कई आपको सवाल ऐसे मिलेंगे जो आपने कभी सोचे ना होंगे, ना देखे होंगे, ना सुने होंगे। चलिए मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। इस सवाल का जवाब है ए फाइब्रिनोजेन। अगले सवाल की ओर चलते हैं। 49वां सवाल है, सूर्य में किस गैस की अधिकता पाई जाती है? ऑप्शन नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी हीलियम, या डी ऑक्सीजन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका जवाब आपको ढूंढ के बताना है चारों में से क्या हो सकता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जवाब है बी, जो है हाइड्रोजन। लास्ट सवाल है 50वां, लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ए यकृत द्वारा, बी हार्मोन्स द्वारा, सी अस्थि मज्जा द्वारा, या डी हृदय द्वारा। बता दीजिए दोस्तों फटाफट से, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आ सकते हैं। चलिए मैं इसका जवाब आपको बताता हूँ। इसका जवाब है सी, जो कि है अस्थि मज्जा। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने आप को एनालाइज कीजिए, जज कीजिए, आपने कितने परसेंट आपने मार्क्स सही दिए हैं, तो आप अपने हिसाब से परसेंटेज निकाल सकते हैं कि आपकी जनरल साइंस में कितनी कट ऑफ निकल रही है। तो दोस्तों अगर आपने सही दिया है तो आप पास हो सकते हैं, और अगर आप में आपने आपको लगता है कि आपकी कट ऑफ कम जा रही है तो आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए। तो दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और घंटे के बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।